नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ अलार्म नॉट वर्किंग, मतलब अलार्म आप सेट करते हो और वो चलता नहीं है, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम आता है ऐसे जो मतलब वो चलता ही नहीं है, चलता बोले तो वैसा चलता जो प्रॉब्लम है अलार्म में उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ सिंपल एंड शॉर्ट में। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करता हूँ, जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं फटाफट आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं पाँच छः सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो आप सॉल्यूशन ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मेरे भी फ़ोन में हुआ था और यहाँ पे मैंने ये 3-4 सॉल्यूशन ट्राई किए और उसमें से 8 सॉल्यूशन सही था, तो अभी मुझे पता नहीं है वो सॉल्यूशन कौन सा नंबर था मतलब, तो इसलिए यहाँ पे मैं सब सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देख लीजिए और आप नीचे कमेंट करो फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। तो चलिए अभी फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हो, बट यहाँ पे सॉल्यूशन बताने से पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ बोनस टिप। अगर आपने कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मेरा मतलब है प्ले स्टोर पे अलार्म के भी बहुत सारे ऐप्स है, जैसे अलार्म है बहुत सारे, मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो डाउनलोड किया है तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल इसलिए करना है बिकॉज हमें जो डिफॉल्ट देखने मिलता है, जैसे ही हम समझो न्यू फोन लेते हैं तो वो जो हमें डिफॉल्ट देखने मिलता है वो चेंज हो जाता है, वो जो आपने न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड किया है वो, तो आप उसे एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो आप ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सॉल्यूशन में बता देता हूँ, यहाँ पे आप अपने अलार्म पे चले जाइए और यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो अलार्म रिंगटोन है, तो आप देख लीजिए तो आपका यहाँ पे साइलेंट तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो भी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये सुनने में थोड़ा अजीब लगते हैं, बट जब भी आप मैन्युअली इसे ट्राई करते हो तो ये सॉल्व हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे अलार्म रिंगटोन में यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो भी साइलेंट तो नहीं है, बस साइलेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा कौन सा भी हो और जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उससे स्टार्टिंग में आवाज़ ऐसी आ रही है वो एक बार सुन लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, दूसरा सॉल्यूशन भी इसमें ही है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो रिंगटोन वॉल्यूम है। रिंगटोन वॉल्यूम में जैसे ही आप आ जाओगे तो इसे एक बार फुल कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल रखने पे ये होता है, समझो आपने कौन सा भी अलार्म रिंगटोन ऐड किया है और उससे वॉल्यूम स्टार्ट में स्लो है तो सुनाई नहीं देता, इसलिए आप एक बार फुल कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एकदम फुल है, मैंने अभी बताया। तो चलिए यहाँ पे मैं दूसरा बता देता हूँ, दूसरा सॉल्यूशन ये है, वो भी हमारे सेटिंग में ही है। सेटिंग में चले जाइए आप एक बार, सेटिंग में जैसे ही आप आ जाओगे यहाँ पे आप सर्च कीजिए DND। यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन में यहाँ पे ऊपर भी होता है यहाँ पे DND, मैं यहाँ पे फुल सेटिंग में बता रहा हूँ तो आपको इजी है समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका DND ऑन तो नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, अगर आपका ये DND ऑन है तो इसे यहाँ से ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रेगुलर मोड पे, मतलब ऑल साउंड विल वर्क नॉर्मली, अगर आपका यहाँ पे DND पे तो फुल साइलेंट हो जाएगा आपका मोबाइल, तो एक बार आप ये भी ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं दूसरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, दूसरा सॉल्यूशन ये है, आप एक बार अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, रिस्टार्ट से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मेरा भी पहले था ये प्रॉब्लम, तो मैंने ये 2-3 सेटिंग दिया जो मैंने बताया और फिर मैंने रिस्टार्ट किया तो ये सॉल्व हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं लास्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ, लास्ट सॉल्यूशन ये है, जो भी आपका ये अलार्म का ऐप है उस पर आप चले जाइए। यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं इसे लॉन्ग प्रेस करता हूँ यहाँ पे इन्फो आ जाता है, तो अगर आपके फ़ोन में ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे आप एक बार सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में नीचे यहाँ पे ऐप्स में यहाँ पे मैनेज ऐप्स में, और फिर यहाँ पे आप सर्च कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो यहाँ पे आ जाएगा, और वो और ये इंटरफेस दोनों सेम है। फिर यहाँ पे क्लियर डाटा में क्लियर टैच कर दीजिए और फिर एक बार आप ट्राई दीजिए, और नहीं होता है तो दूसरी बार आप आइए और क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए। तो ये सब मैंने सॉल्यूशन बताया, तो ये सब सॉल्यूशन आप ज़रूर ट्राई दीजिए, और फिर भी नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बिंदास अपना भाई समझो और बिंदास कमेंट करो, जाओ।